एनकाउंटर स्पेशलिस्ट यूपी पुलिस ने प्रयागराज में एक बार फिर एनकाउंटर किया है, जिसमें दो बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। दोनों घायल हैं और दोनों का इलाज चल रहा है। सोमवार 7 अगस्त को प्रयागराज के थरवईक में किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और उसके नाना की हत्या, लूटपाट की घटना के बाद पुलिस जिले के सभी नाकों पर पेट्रोलिंग कर रही है। इसी कड़ी में गश्त करते हुए सुबह करीब 4 बजे शंकरगढ़ पुलिस ने झांसी मिर्जापुर हाईवे पर कुछ संदिग्ध लोगों को रोका। रोकने पर दो बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी फायर शुरू किया। थोड़ी देर बाद दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। घायल होकर जमीन पर गिर पड़े और तड़पने लगे। मुठभेड़ के दौरान शाहजहांपुर के निगरी थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी कृष्ण कुमार और कैलाश सिंह को गोली लगी। दोनों को SRN अस्पताल भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। मौके पर DCP यमुना पार समेत तमाम अधिकारी पहुंचे। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आज सुबह थाना शंकरगढ़ अंतर्गत पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें दो बदमाशों को पैर में गोली लगी है, जिनको वहाँ पर CHC ले जाया गया, जहाँ से SRN के लिए रेफर कर दिया गया। वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। दो बदमाशों के अलावा 3 अन्य को उनके साथ में जो थे वहाँ मौके से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से बरामद जो सामान हुआ है उसमें 2 अवैध तमंचे, 315 बोर, लाठी, सफल, पेचकस तथा चाबियों के गुच्छे इत्यादि मिले हैं। इनसे पूछताछ में पता चला है कि इनका एक चोरी का गिरोह है जो रैकी करता है और फिर रात में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। इन पर प्रदेश के विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं और इनका सारा आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। फिलहाल इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। 2 सिपाहियों के भी जख्मी होने की सूचना है। वहीं घायल बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचा और 3 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से एक बैट, एक लोहे का सरिया, एक प्लास, एक पेचकस और एक चाबी का गुच्छा बरामद हुआ है। बताते चलें कि सोमवार 7 अगस्त को थरवई थाना क्षेत्र के हेतापट्टी गांव में रविवार की रात डकैतों ने 2 घरों में डकैती डालते हुए चौकीदार की हत्या कर दी थी। चौकीदार की नाबालिग नातिन के साथ 6 आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म भी किया था। CCTV फुटेज से आरोपियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। शुक्रवार की सुबह आरोपियों के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के कपारी पेट्रोल पंप के पास होने की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की।